आ जा लोकेश जल्दी, चमगादड़ वगैरह तो नहीं मिल जाएंगे। ओ देख हुंटेड लोकेश, वो जो दिख रहा है ना उसका तो है। हाँ नहीं ये बंद है, बंद रास्ता नहीं। ओए यार वहां पर कुछ बैठा दिखाई दे रहा है। लिया ये है भाई, जो भी है जंतर मंतर। फूल मस्त है वैसे तो। गाइस फाइनली हम ऑटो में बैठ चुके हैं और इंडिया गेट जा रहे हैं पहले, फिर पुराना किला जाएंगे। तो लोकेश थक चुका भाई। ठीक है अंकल, आ जाओ यहाँ से रोड पार करो, देखो हाँ हाँ चले जाना सीधा चिड़ियाघर में, चले जाना। ठीक अंकल, थैंक यू अंकल, आ जा भाई। ठीक अंकल आ जाओ भाई, लाल इंडिया गेट के पास तो आ चुके हैं। तो गाइस फाइनली हम इंडिया गेट पर पहुंच चुके हैं, ये देखिए। तो अभी जूम करते हैं इस पर। तो इसके आसपास ये पार्क ही है, ये था भाई इंडिया गेट जो हमने आज देख लिया, एक दो फोटो खींच लेते हैं। चलो भाई। तो गाइस फिलहाल इंडिया गेट में अंदर अलाउड नहीं है, इतनी दूर से ही फोटो खींचना पड़ा। तो अभी फिलहाल ऑटो पकड़ के चिड़ियाघर देखने जाते हैं। तो रेड लाइट से ऑटो मिलेगी हमें, तो वहीं पर जाते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी हम वार मेमोरियल जो इंडिया गेट के पास है उसको देखने आए हैं, तो यहाँ से और अच्छा देखने को मिलेगा। किस साइड जाना है? किस साइड? आ जा जा। तो गाइस ये जो ये ईंट लगी हुई हैं, इन पर सभी शहीद के नाम लिखे हुए हैं। ये क्या है सर? ये श्रद्धांजलि देने के लिए, आज के दिन ना फौजी लोग ने खत्म हो गए। अच्छा अच्छा, लगते हैं ना उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए। हाँ वर्मा भी क्लिक कर, श्रद्धांजलि देने के लिए अभी और भी फूल आएंगे। ओटीपी आरटीपी भी न कर लिए तो। अच्छा और भाई ये जो ईंट लगी हुई है भी शहीद सोल्जरों के नाम है, ये देखिए जो अब तक शहीद हुए हैं उन सभी के नाम है यहाँ पर। तो एक एक ईंट पर तो ये लिखा हुआ है 17 पंजाब एन के बुआ दीता आरफ एम एस के चेरी। तो ये इसके चारों तरफ लगी हुई है ऐसे ही, कितनी मस्त जगह है, बिल्कुल शांति है यहाँ पर। नेशनल एंथम की साउंड चलती रहती है माइक में, बिल्कुल पीसफुल और कितनी साफ सुथरी जगह है। ये क्या कर रहा है भाई, फोटो लेने हैं तो मुझे बता दे। एक नेशनल फ्लैग है और बाकी तीन अलग फोर्स हैं, आर्मी नेवी और एयर फोर्स। तो काफी अच्छी जगह है। तो ये तीनों चीज़ आ गई, इंडिया गेट, अमर ज्योति और वार मेमोरियल। तो पहले उसमें थी अमर ज्योति, अभी इसमें कर दी है वार मेमोरियल में। तो फिलहाल अभी चलते हैं, हमें
पुराना किला भी देखना है, तो फिलहाल चल के वहीं पर देखेंगे। तो ये इंडिया गेट था और अभी एग्जिट कर लिया हमने और अभी पुराने किले के पास जा रहे हैं हम। यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो में जाएंगे। 40 रुपये देख ले। तो गाइस अभी फिलहाल एक ब्रेक लिया छोटा सा, फिर पैदल चलेंगे तो पानी पी लेते हैं। फिलहाल चलते हैं वही पुराना किला, पानी वगैरह पी लिया। तो लोग इसके अंदर दोस्त आया है, ऑटो वाले से पूछते हैं। तो इंडिया गेट के पास आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा आर्मी वगैरह से रिलेटेड। ये देखिए यहाँ पर नेवी और ये है। तो फिलहाल ये इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। तो अभी हमें जाना है उस तरफ है। तो अभी क्रॉस करते हैं भाई, उस साइड से करेंगे। तो भाई फिर एक बार ऑटो में फिर बैठ चुके हैं और चलते हैं पुराने किले के पास। क्या कैसा लग रहा है? पुराने किले के पास ये चिड़ियाघर भी है, तो देखते हैं खुला मिला तो इसी में घूम के आएंगे और बाद में देख के आएंगे पुराने किले को। तो इस तरफ है शायद जी ये चिड़ियाघर, अभी बंद कर रखा है, पता नहीं कब तक बंद रहेगा कोरोना की वजह से। तो फिलहाल अभी चलते हैं वहाँ पर घूमने। चल उस साइड के है, उस साइड है मेरे ख्याल। चलो देख, ये देखिए भाई अंदर से चिड़ियाघर ऐसा था, तो अभी फिलहाल बंद है, नहीं तो ये काफ़ी बड़ा चिड़ियाघर है। यहाँ से टिकट लेनी होगी, तो अंदर चल के टिकट लेते हैं भाई। अभी फिलहाल हम आ चुके हैं पुराने किले के पास, तो अभी अंदर चल के देखेंगे। ये बाहर से देखिए ज़बरदस्त है भाई। तो ये हुमायूं ने बनाया था 1569 में। तो फिलहाल अभी अंदर चल के और मस्त है, क्या गजब इमारत है भाई। इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, बहुत बड़ा भैया। तो पूरा घूमने में अच्छे तरीके से दिखाने में पूरा दिन लग सकता है इसमें। पेड़ ये काफी पुराना पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है। बरगद और पिपल, बरगद है पिपल। तो ये छोटी बच्ची चिकी चिकी। अभी हम किले के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ से जाएंगे और उस साइड भी देख के आएंगे, उस तरफ पता नहीं क्या है लेकिन कितने मजबूत पत्थर हैं, डिजाइन पूरा लाल पत्थर है। लेकिन इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा। ओहो क्या गजब दरवाजा है, इसके अंदर जाने थोड़ी देंगे यार। ये पता नहीं कुआं वगैरह लगता है, ओह ऐसे ही तालाब वगैरह होगा, इसमें पानी भरते होंगे शायद। और ये देखिए ये क्या चीज है, दरवाजे भी नहीं है और क्या चीज है? मस्जिद है ओ भाई, कल मालिक रखे ठीक है। आ जा। तो अभी ये देखिए बाहर से, अंदर से तो आपको दिखा दिया, ज्यादा कुछ दिखाने को है नहीं। और यहाँ से देखिए किले के चारों तरफ बाग ही बाग, पहले जंगल हुआ करता था यहाँ पर,
और क्या है, ये छोटा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। ये देखिए भाई, वे गुफा है भाई, गुफा है मन ये कहाँ घूम रहे हैं, ये कितना बड़ा घास है भाई, उस तरफ भी कुछ देखने को होगा शायद। ये बिना टिकट क्या रहे हैं शायद, इस तरफ तो है तो भाई जी ये देखिए यहाँ पर भी गुफा है, तो अभी चलते नीचे आ जा। तो यहाँ से शॉर्टकट यहीं से लेते हैं और नीचे चलते हैं भाई, गुफा वगैरह देख के आएंगे। और ध्यानता ही है भाई, लोकेश आ जा रास्ता है। हाँ हाँ, म्यूजियम भी देख के आएंगे, रास्ता बंद है। वही इसके नीचे चला। ध्यान था भाई, राजा महाराजा के टाइम की ये चीजें, काफी चोट खा सकता है इसमें। बंद है भाई आगे, ये क्या भाई, तय खाना है। छोटे राज, ओहो यहाँ भी गुफा ही गुफा, वाह भाई वाह। आ जा लोकेश जल्दी, चमगादड़ वगैरह तो नहीं मिल जाएंगे। ओ देख हॉन्टेड लोकेश, वो जो दिख रहा है ना, हाँ नहीं ये बंद है, बंद रास्ता नहीं। वही यार, वहां पर कुछ बैठा दिखाई दे रहा है।